हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातों के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए, और हमेशा मुझे अपनी ब्लेसिंग्स देते रहिए। अब हमारे साथ जुड़ चुके भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत माँ, जिसको बोल सकते भाभी बोल सकते हैं, अभी हीरो एज ए हीरोइन भी आ चुकी है, पुष्पा शुक्ला जी। इनसे जानते हैं खेसारी लाल यादव के बारे में। मैडम, आप क्या खेसारी लाल यादव बिग बॉस देख रही हैं आजकल? एक बार देखा था मैंने, लगा कि फिर ज़्यादा टाइम तो शूटिंग की वजह से मिला नहीं, लेकिन जब उनकी इंटरव्यू हुई वो चीज़ मैंने देखा। क्या कुछ कहेंगे हमारे दर्शकों को? खेसारी जी को तो मैं अपनी तरफ से पुष्पा शुक्ला शुभकामनाएं ही देना चाहूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि पहली बार मैंने उनके साथ उनकी मदर कैरेक्टर में काम किया था खेसारी जी के साथ, और देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि बिग बॉस पर खेसारी जी गए हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि वहाँ पर मतलब आज पूरी मीडिया उनको देख रही है खेसारी जी। यूपी बिहार के दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे खेसारी लाल को वोट करने के लिए? हाँ, यूपी बिहार जितने भी हमारे बॉम्बे में जहाँ भी हैं, मैं सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि सारे लोग जो है खेसारी जी को वोट दें और उनको जीतें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम से जुड़ने के लिए। सर, आप बिग बॉस देखते हैं क्या? जी बिल्कुल देखता हूँ मैं बिग बॉस। क्या कुछ कहेंगे खेसारी लाल यादव के बारे में? भैया, आज मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे अपने खेसारी लाल यादव जी, जो कि हमारे अपने घर से निकले हुए हैं और बड़ा ही मेहनत और परिश्रम के साथ उस जगह पहुँचे हैं, आज ये लग रहा है कि कोई चीज़ दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, हर चीज़ मुमकिन है, और उन्होंने करके दिखाया उस जगह पर। और सिर्फ अपना ही नहीं, हमारे भोजपुरी समाज को भी उन्होंने बहुत बड़ा गौरवान्वित किया उन्होंने, और ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। और जैसे ही तो इनका शुरू हो जाएगा, जो देखना शुरू कर देंगे, और हम कामना करते हैं सभी लोगों से जो इस शो को देख रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में सपोर्ट करिए और उनको समर्थन करिए, ताकि हमारा जो अपना घर का गया हुआ व्यक्ति है वो बहुत आगे निकले। और ईश्वर से कामना करते हैं कि जो ही आगे बढ़े और सब नाम करे अपने देश का। आज दिलीप सेन जी के पुत्री का विवाह है, कुछ कहना चाहेंगे उनको? जी, दिलीप सेन जी के आज पुत्री के विवाह के लिए उन्होंने आमंत्रित किया हमें, और हम आए हैं यहाँ पर, और बड़े ही भव्य बहुत बड़ा कार्यक्रम है। आप देख रहे होंगे कि बड़ा ही बड़ा सुकून, बड़ा आनंद मिल रहा है, और ये तो स्वाभाव्य होता है कि बेटी की शादी पे तो जो बातें होती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बड़ा अच्छा लगा आके। और काफ़ी लोग आए हुए हैं, फिल्म से जुड़े काफ़ी लोग आए हैं यहाँ पर, और बड़ा ही अच्छा और मनोरम स्थिति है, और बड़े सब खुशहाल और खुश हैं, और हम दोनों युगल जोड़ों को आशीर्वाद देंगे कि स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें, और अपने अपने परिवार को गौरवान्वित करें। थैंक यू सर। सर, खेसारी जी इस वक्त बिग बॉस के अंदर है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? खेसारी जी बिग बॉस के अंदर हैं, और बहुत सारी बधाई सबको, सबका आशीर्वाद प्यार उनको मिले, उनके काम जो सराहनीय है, और वहाँ पर सब आप लोग देख रहे हैं। और खेसारी को दर्शक वोट करे उसके बारे में क्या कहेंगे? दर्शक को बहुत अच्छे से वोट करना चाहिए, एक रिक्वेस्ट है, जितना ज़्यादा वोट करें, और उनके जो प्रशंसक हैं, उनके चाहने वाले, हम लोग चाहने वाले, सब लोग उनको अच्छा वोट करें, उनके काम को देखें। बिग बॉस हमेशा आप देखते हैं? बहुत अच्छा है स्टार्टिंग से। पूरा नाम क्या आपका? मेरा नाम राकेश शर्मा है। ये जो है, जो हम लोग के सामने जो बोल रहे हैं, बहुत बड़े म्यूजिक अरेंजर हैं, भोजपुरी के पवन जी हो, खेसारी जी हो, दिनेश जी हो, चिंटू जी हो, सभी गाने मिक्सिंग में करते हैं, और सारे गाने यही रिकॉर्ड करते हैं, उसको अरेंज भी कर लेते हैं कभी कभी। मतलब सबसे बड़ा है भोजपुरी इंडस्ट्री का अरेंजर इनको कह सकते हैं। इनका स्टूडियो अंधेरी वेस्ट आदर्श नगर में है, किसी को संपर्क करना हो तो इनसे संपर्क कर सकते हैं फेसबुक माध्यम से। थैंक यू सर जुड़ने के लिए। हमारे साथ शिवा जी देवनाथ जी हैं। सर, आप बिग बॉस देखते हैं कभी? नहीं, हम बिग बॉस देखते हैं। नहीं देखते हैं। खेसारी लाल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? खेसारी लाल बहुत अच्छा, मतलब सुना है बहुत अच्छा कर रहा है। एक दिन मैंने बिग बॉस उनके लिए एक दिन देखा था खेसारी लाल के लिए, और खेसारी लाल बहुत अच्छा काम कर रहा है, और वो मतलब कुछ दिन के लिए गए हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा उनका ऐसा ये नहीं था, ठीक नहीं था, मतलब चुपचाप था। बाद में उन्होंने जो मतलब पिकअप पकड़ा लोगों में, बहुत बिहार में उनका बहुत नाम हो रहा है, और यूपी बिहार के लोग बहुत खुश है कि हमारा जो सुपरस्टार वो बिग बॉस में जाके बहुत अच्छा नाम कमा रहा है। थैंक यू। अच्छा, भोजपुरी सिनेमा तो आपने, आप तो ऐसे बंगाल, भोजपुरी सिनेमा देखते हैं कभी आप? भोजपुरी देखता हूँ। देखते हैं। क्या खेसारी में सबसे अच्छा चीज़ क्या लगता है आपको?
खेसारी का भोजपुरी चीज में, भोजपुरी फिल्म में खेसारी का खुद का गाना होता है, उसका गाना बहुत अच्छा लगता है और उसका डांस भी अच्छा है और उसका फाइटिंग भी अच्छा है, उसका एक्टिंग भी बहुत अच्छा है, जिसके लिए लोग भी उसको पसंद कर रहे हैं और हम भी पसंद कर रहे हैं। बॉलीवुड का सबसे बड़ा अभिनेता सलमान खान जैसे सुपरस्टार के साथ वो इस वक्त फेस कर रहे हैं फेस टू फेस, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए गर्व की बात है, कुछ कहेंगे सलमान जी के बारे में? देखिए मैं तो इतना ही कहूँगा, भोजपुरी इंडस्ट्री का वो सलमान खान है, तो उसको दोनों, एक भोजपुरी के सलमान खान है और एक मतलब हिंदी इंडस्ट्री के सलमान खान है, तो मैं ये कहूँगा कि दोनों अपने अपने जगह पे बड़े। बिग बॉस की तरफ से खेसारी को वोटिंग के लिए कुछ कहेंगे? वोटिंग जब भी होगा, वोटिंग में हम भी हिस्सा लेंगे, खेसारी को वोट करेंगे सब, और हम भी अपील करते लोगों को कि खेसारी का जो चाइना वाला है उसको थोड़ा सा टाइम निकल के खेसारी के लिए वोट देना चाहिए। थैंक यू सर जुड़ने के लिए। मैडम आपका नाम क्या है? बिग बॉस देखती है मैडम आप? बोलो बोलो बोलो। मेरा नाम सरेखा है, आई एम देन मैं स्पेशल आर्टिस्ट हूँ, अभी दो साल हुआ है स्ट्रगल चल रहा है। बिग बॉस आपने कभी देखा है? जी। क्या उसमें अच्छा लगता है आपको? उसके जो टास्क होते हैं मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और उसका जो रूल्स है वो सारी चीज़ जितना तक मुझे पता है वो सब चीज़ मुझे बहुत। खेसारी लाल यादव का आपने नाम सुना है? जी जी। उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे बिग बॉस घर के अंदर इस वक्त? ओह माय गॉड, एक्चुअली वो तो उनकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ और लखनऊ से हूँ, एक्चुअली खेसारी लाल जो है वो बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं। थैंक यू मैडम। हमारे साथ नगमा खान जी आ चुकी हैं, बॉलीवुड के बहुत बड़े पीआर प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब हैं। खेसारी लाल यादव इस वक्त भोजपुरी के जो बहुत बड़े तुरम खान है बिग बॉस के अंदर है, कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? खेसारी जी सबसे पहले तो नमस्कार, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और संजय भूषण ने आपका पीआर इतना किया है कि आपको सिर्फ उसकी वजह से मैं जानती हूँ। आज तक मैंने कोई आपकी फिल्म नहीं देखी लेकिन उसके मुंह से और आपके बिग बॉस में जाने की वजह से, थैंक्स टू बिग बॉस जो आपको वहाँ पर बुलाया और उसकी वजह से आपको आज दुनिया, पूरी दुनिया जान रही है, नहीं तो भोजपुरी लोग देखते नहीं है, आज हिंदुस्तान में पूरे वर्ल्ड में आपको देखा जा रहा है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच बिग बॉस जो आपने इनको यहाँ पर बुलाया, हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे और मैं चाहूँगी कि आप खेसारी जी आप यहाँ से जीत के निकले और जीत के ही आना, भोजपुरी जी का नाम रोशन करके आना, थैंक यू सो मच। अभी लेटेस्ट में बिग बॉस आपने देखा हो, कुछ कहना चाहेंगे घर के अंदर कुछ सिचुएशन के बारे में? देखो हम भी फिल्म इंडस्ट्री में, आप भी फिल्म इंडस्ट्री में, तो हम किसी के कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहते, बस हाँ। ये कहना चाहूंगी सब लोग अच्छे से रहिए हाँ। और लड़ाई झगड़ा नहीं, अगर आप लोगों को लड़ाई झगड़े का दिया जाता है तो प्लीज उसको अच्छे से खेलिए और प्रॉपर खेल के और जीत के आना, किसी से कोई बैर नहीं है। खेसारी लाल को वोटिंग करने के लिए कुछ कहेंगे हमारे दर्शकों को? सिर्फ खेसारी जी जीतेंगे और कोई नहीं। थैंक यू मैडम। अब मैं आप लोगों को मैं बॉलीवुड के इंडस्ट्री के अली खान जी से मिलाने वाला हूँ, एक सेकंड में। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।